नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में आज सूर्य ग्रहण को लेकर के मंदिरों के पट बंद रहे, घरों में ही पूजा पाठ की गई और माला जाप भी किया गया। कुरुक्षेत्र में रद्द किए गए सूर्य ग्रहण मेले पर भी कईयों ने मलाल जताया। भिवानी छोटी काशी नगरी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और इस धार्मिक स्थल पर भिवानी छोटी काशी के सभी छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम मंदिरों के पट बंद रख करके किए गए। आज श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा की बजाय अपने घर पर ही सूर्य ग्रहण के चलते भगवान सूर्यदेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा और प्रार्थना की। गौरतलब है कि 11 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण का ये विशेष संयोग बना है। 11 वर्ष पहले इस प्रकार का सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने बताया कि आज सूर्य ग्रहण का दिन कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहाँ पर मेला है जो कि रद्द किया गया ताकि कोरोना जैसी महामारी के चलते लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इस धर्म नगरी में लाखों की भीड़ उमड़ती है जिसके चलते ये मेला उत्सव इस बार रद्द किया गया। भिवानी हनुमान जोड़ी धाम मंदिर के पुजारी धानदास महाराज ने कहा कि आज छोटी काशी नगरी में सभी मंदिरों के पट्टे सूर्य ग्रहण के चलते बंद किए हुए हैं। जब तक सूतक खत्म हो जाएगा तब तक मंदिर के पट खोले जाएंगे, उसके बाद ही भगवान राम के दर्शन और दरबार के दर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों से ही भगवान श्री राम और अन्य देवताओं की स्तुति कर रहे हैं ताकि सूर्यदेव का प्रभाव किसी पर बुरे प्रकार से न पड़े। पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इस साल का ये विशेष और बड़ा सूर्य ग्रहण है और कल शाम को 10 बजे सूतक लग गया था, उसके बाद से मंदिरों के पट बंद हैं। यहाँ भी अपने जोड़ी धाम के मंदिर के पट बंद हैं और अब 10:15 बजे से ग्रहण काल शुरू हो चुका है। शाम को 3 बजे तक शुरू होगा। इसके दौरान कुछ भी खाएं पिए नहीं, जो भी रह सकें व्रत और जरूरतमंद लोगों को छोड़ के जो भी रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें और गंगा स्नान इत्यादि इसमें अब की बार कर नहीं सकते तो 3 बजे के बाद थोड़ा गंगा जल बाल्टी में डाल के पानी में डाल के और स्नान करें और ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें और कोरोना महामारी जिससे ख़त्म हो, यही हमारी सूर्यदेव से प्रार्थना है। सूर्यदेव की कृपा दृष्टि पूरे संसार पे भारतवर्ष पे सही बनी रहे, इसके लिए सभी प्रार्थना करें। किस प्रकार से क्या रहेगा जी? बिल्कुल, सूर्य ग्रहण कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा जिसमें ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। इस ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में हरियाणा की जो एक पावन भूमि है, आर्य की भूमि है, वहाँ एक बड़ा मेला आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और ग्रहण से बचने की एक परंपरा वहाँ है। तो वहाँ भी हमारी सरकार के माध्यम से माननीय CM साहब ने भी वहाँ लोगों को आने से मना कर दिया है। वहाँ भी एक कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा ना बढ़ें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के चलते इस प्रकार का निर्णय लेना सरकार के लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। तो अब की बार सूर्य ग्रहण मेला नहीं रहेगा, घरों में बैठ करके सूर्य के दर्शन करें और जो भी अपने पूजा पाठ है उपवास वो करें ताकि हम बीमारी से बच सकें।